अमेरिका रूस पर लगा था, उधर चीन ने चुरा ली F-35 की तकनीक। अब चीन कर रहा अमेरिकी तकनीक वाले घातक विमान की लॉन्चिंग। चीन के पास हो गए 2 स्टेल्थ विमान। अमेरिका छोड़ो, यूरोप ने पीट लिया सिर। दोस्तों, कहा जाता है कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता है। काफी वक्त पहले से ही अमेरिका ने दुनिया पर राज करने का प्लान तैयार किया और इसी प्लान का नतीजा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन बैठा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसने कुछ ऐसा सिस्टम बनाया, उससे भिड़ने का सीधा मतलब है अपना वजूद मिटा लेना। इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हो या अलकायदा का लादेन, इन लोगों ने अमेरिका से टक्कर लेने की कोशिश की, लेकिन इसका अंजाम दुनिया देख चुकी है। अमेरिका ने इन दोनों को पाताल से निकालकर मौत दी, लेकिन अब धीरे धीरे द्वार बदलता जा रहा है। पहले अमेरिका के खिलाफ कोई बोलने की भी ताकत नहीं रखता था। इस मामले में केवल रूस था जो अमेरिका की छाती में चढ़कर अपनी शक्ति दिखाने की ताकत रखता था, लेकिन आज दुनिया में कई ऐसी ताकतें हैं जो अमेरिका को सुनने को तैयार नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि अमेरिका उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है। चीन और उत्तर कोरिया ऐसे ही देश हैं। वहीं भारत की बात की जाए तो भारत बैलेंस्ड पॉलिसी अपनाता है, लेकिन कई मुद्दों पर भारत भी अमेरिका को सुनने को तैयार नहीं है। फिर भी भारत को अमेरिका से आज कई तरह की जरूरतें भी हैं, लेकिन चीन की इस वक्त बिहाइंड द कर्टेन अमेरिका से सीधी दुश्मनी है। चीन लगातार अमेरिका के खिलाफ जंग की तैयारी भी कर रहा है। कहीं जगह तो खुलकर अमेरिका की सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकालकर उसका इस्तेमाल भी कर रहा है। हालत तो ये हो चुके हैं कि अमेरिका अपने सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र F-35 की तकनीक भी नहीं बचा पाया। दावा किया जा रहा है कि चीन ने उसे न केवल चुरा लिया बल्कि इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अपना स्टेल्थ फाइटर जेट तैयार कर लिया। इसे चीन ने इसे J-35A नाम दिया है। इसके बाद से अमेरिका सन्नाटे में है। वो अमेरिका जो भारत के तेजस फाइटर जेट को बर्बाद करने के लिए इंजन की डील होने के बाद भी उसे इतना डिले कर चुका है कि भारत के रिश्तों तक पर आंच आ चुकी है। उसी अमेरिका की नाक के नीचे चीन ने भयंकर धमाका कर दिया है। तो दोस्तों, आखिर चीन ने इस बड़े मिशन को अंजाम कैसे दिया? चीन की इस भयंकर साइबर जासूसी की कहानी को जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। सुपर पावर दुनिया भर में खुद की सुरक्षा को लेकर करता है बड़े बड़े दावे, लेकिन चीन ने सुरक्षा भेद कर तैयार कर डाला उसके विमान का काउंटर। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि चीन ने अमेरिकी विमान का सीक्रेट कैसे हासिल किया। साथ ही आपको बताऊंगा कि इससे चीन एक ही झटके में कितना पावरफुल बन गया है। मोदी सरकार ने आज से कुछ साल पहले जो चीनी ऐप्स और उसकी वेबसाइट्स पर बैन लगाया था, क्या मोदी सरकार वास्तव में चीन का ऐसा ही कोई कारनामा जान गई थी? और दोस्तों, भारत को अमेरिका वाली घटना से क्या सबक लेना होगा? दोस्तों, माना जाता है कि सुपर पावर के सुरक्षा चक्र को तोड़ना बेहद मुश्किल है। सुपर पावर दुनिया भर की जासूसी करवाता है। भारत सहित दुनिया भर के परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए उसने जासूसों का बड़ा जाल बिछा रखा है। अपने ताकतवर सैटेलाइट्स का इस्तेमाल वो जासूसी के लिए करता है और अपनी इन इंफॉर्मेशन के दम पर वो एक्शन भी लेता है। अमेरिका ने भारत पर भी तब प्रतिबंध लगा दिया था जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत को तमाम रक्षा सामग्री मिलने पर प्रतिबंध लग गया था, जिसकी वजह से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने में पीछे रह गया। हालांकि भारत के लिए परमाणु ताकत हासिल करना बेहद जरूरी था और वो किसी भी कीमत पर अमेरिका को उसकी सुपर पावर की गद्दी से हटाकर खुद सुपर पावर बनना चाहता है। इसी वजह से उसके लिए जरूरी था कि वो अमेरिका के 2 स्टेल्थ विमानों के बदले खुद भी 2 स्टेल्थ विमान तैयार करे, और इसी वजह से उसने साइबर हमला करके अमेरिका के इस विमान की तकनीक चोरी कर ली, जिसकी सीक्रेट केवल कुछ साइंटिस्ट को ही पता थी। चीन ने इस विमान की तकनीकी को इस तरह से खोद निकाला कि उसने इसके स्टेल्थ से लेकर तमाम तकनीकियों का सीक्रेट हासिल कर लिया, जिसकी कॉपी करके उसने अपना दूसरा स्टेल्थ विमान J-35A तैयार कर लिया। अमेरिका ने इसके बाद अपनी साइबर सुरक्षा बढ़ा दी थी, जबकि वो चीन से बदला लेने के लिए मौके की तलाश कर रहा है। अमेरिकी विशेषज्ञ ने चीनी हमलों का पता लगाने के लिए एक खास तकनीकी का इस्तेमाल किया था। अमेरिकी साइबर स्पेशलिस्ट ने बनाया एक फर्जी वाटर सिस्टम, जिस पर चीनी हैकर्स ने तुरंत किया अटैक और हो गया खुलासा। अमेरिकी साइबर स्पेशलिस्ट ने चीनी साइबर हमलों का पता लगाने के लिए एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस स्पेशलिस्ट ने अपने घर के बेसमेंट में एक वाटर मशीन बनाई, जिसमें कई असली सॉफ्टवेयर और पुर्जों का इस्तेमाल किया। इसके तुरंत बाद ही चीनी हैकर्स ने इस तकनीक का पता लगाने के लिए इस पर साइबर हमला किया।
इसके बाद उत्तर कोरिया और रूस ने भी इस पर हमला किया, जिसके बाद अमेरिका को इस बात का अंदाजा हो गया कि चीनी साइबर हैकर्स कितने एक्टिव हैं। अमेरिकी एक्सपर्ट को यह पता चला कि कोई सिस्टमेटिकली उनकी तकनीक चोरी करके चीन को दे रहा है। ये एक सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ये लोग कलीग बनकर ईमेल भेजते थे और जैसे ही इसे ओपन किया जाता था, पूरे सिस्टम की इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती थी। साल 2007 में उन्होंने लॉकहीड मार्टिन के सर्वर को भी हैक कर लिया, जहां से F-35 की सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन्हें मिल गई, जिसके बाद चीन ने इसका इस्तेमाल अपने दूसरे स्टेल्थ विमान में किया है और अब वो इस विमान को लॉन्च करने जा रहा है। इसे चीन जुहाई में होने वाले एयर शो चाइना 2024 में उतारने वाला है। ये विमान चीन को एशिया में अमेरिका के मुकाबले अपनी ताकत के प्रदर्शन में मजबूती दिलाएगा। ये अमेरिका की बहुत बड़ी नाकामी है, जिसमें सब कुछ जानने के बाद भी वो कुछ भी करने में नाकाम है, क्योंकि चीन ने अमेरिका को यहाँ पीछे धकेल दिया है। अगर भारत की बात की जाए तो कई बार भारत ने जब अमेरिका से कोई तकनीकी मदद मांगी और अमेरिका ने तकनीकी देने से मना कर दिया, उसके बाद भारत ने खुद ऐसी तकनीकी हासिल करके अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका ने रॉकेट के क्रायोजेनिक इंजन के मामले में भारत को अपनी अकड़ दिखाई थी, जबकि भारत पर बैन लगा दिया था। यहाँ तक कि रूस भी तब भारत को तकनीकी देने को तैयार नहीं था। तब भारत ने लगातार 20 साल इस मामले में संघर्ष किया और क्रायोजेनिक इंजन बनाकर अमेरिका को अपनी ताकत दिखाई थी। भारत अब फाइटर जेट पर भी कुछ ऐसे ही मकसद के साथ जुटा हुआ है, जिसके इंजन अमेरिका करार के बाद भी सप्लाई नहीं कर रहा है। भारत अब अमेरिका और यूरोप की नीतियों को जवाब देने के लिए तैयार है। इसी वजह से उसने रूस की मदद से चीन के साथ विवाद को सुलझाया है, जबकि ब्रिक्स की ताकत को मजबूत किया जा रहा है। भारत अपनी साइबर सुरक्षा के लिए क्वांटम तकनीकी जैसे बेहद एडवांस तकनीकी पर काम कर रहा है। भारत ने यहां तक कि अपना पहला क्वांटम कंप्यूटर करीब करीब तैयार कर लिया है। जबकि अगर भारत, चीन और रूस जैसे दोस्त एक साथ आते हैं तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि भारत चीन पर किसी भी कीमत पर भरोसा नहीं करता है, वो केवल अपनी ताकत पर भरोसा करता है और खुद के दम पर ही हवाई ताकत बढ़ाने की प्लानिंग पर काम कर रहा है। भारत स्टील्थ विमान के तौर पर एमका तैयार कर रहा है, जो चीन और अमेरिका दोनों के विमानों से बेहद एडवांस है, क्योंकि संकट के वक्त में भारत को केवल उसकी अपनी ताकत ही मदद कर सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका का सिंहासन अब जोरों से हिल रहा है। अमेरिका की सीक्रेट चोरी करने की चीन की इस करतूत पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।